अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन एबिस नाइग्रा है। छोटी सी एक मेडिसन है हमारी, और अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में इस मेडिसन को बयान करूं तो वो है बदहज़मी। ये हमारी मेडिसन है एबिस नाइग्रा। अब ये बदहज़मी जो है किसी वजह से भी हो रही है, आप चाय का कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और बदहज़मी हो रही है, तंबाकू का इस्तेमाल करने के बाद बदहज़मी हो रही है, कसरत से खाने की वजह से बदहज़मी हो रही है, उम्र रसीदा अफराद में बदहज़मी पाई जा रही है, ख़ुराक हज़म नहीं हो रही उसकी वजह से बदहज़मी पाई जा रही है, मुंह में खट्टे डिकार आ रहे हैं तो हमारी ये मेडिसन है, कसरत के साथ डिकार आ रहे हैं तो ये मेडिसन है, बदहज़मी की वजह से, मैदे की अपतरी की वजह से, मैदे के डिसऑर्डर्स की वजह से कब्ज़ पाई जा रही है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। बस ये है एबिस नाइग्रा, बदहज़मी से शुरू होती है और बदहज़मी के ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। वैसे इसमें दिल की धड़कन का तेज़ होना भी पाया जाता है, इसमें खांसी भी पाई जाती है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में इस दवा को बयान करूं तो वो है बदहज़मी, इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया। और इनडाइजेशन और डिस्पेप्सिया इज़ इक्वल टू एबिस नाइग्रा। दो चार इसके करैक्टरिस्टिक सेंसेशंस हैं, और मैं अपने सुनने वालों को पहले भी मैंने बताया है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि किसी भी ऐसे सिम्टम्स के साथ जब ये लिखा हुआ आए कि इस तरह महसूस होता है, सेंसेशन एज इफ़, अगर किसी सिम्टम से पहले ये दो लफ्ज़ लिख दिए जाए, सेंसेशन एज इफ़ या यूँ महसूस होता है, तो वो उस दवा का करैक्टरिस्टिक बन जाता है। तो एबिस में जहाँ बदहज़मी पाई जाती है, जहाँ कब्ज़ पाई जाती है, जहाँ स्टमक डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, वहाँ पर कुछ मखसूस एहसासात भी पाए जाते हैं, और ये एबिस के करैक्टरिस्टिक सेंसेशंस हैं। और वो करैक्टरिस्टिक सेंसेशंस जो पाई जाती हैं वो कार्डिक रीजन में पाई जाती हैं, मैदे में पाई जाती हैं, और ख़ुराक की नाली में पाई जाती हैं। और किस तरह की सेंसेशन पाई जाती है कि पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई सख्त चीज़ या कोई सख्त उबला हुआ अंडा वहाँ पर फंस गया है। कहाँ पर फंस गया है? आपके कार्डिक रीजन में फंस गया है, आपकी खुराक की नाली में फंस गया है, आपके मैदे में फंस गया है, और आपके कार्डिक रीजन के में ही आपके लंग्स भी आते हैं, लिहाजा अगर लंग्स के हवाले से भी ये चीज़ पाई जाती है तो हमारी जो दवाई है वो एबिस नाइग्रा है। ये सेंसेशन चाहे तो बदहज़मी के साथ पाई जा रही है, चाहे ये फेफड़ों के इमराज के साथ पाई जा रही है, चाहे ये सेंसेशन जो है कब्ज़ के साथ पाई जा रही है, चाहे ये सेंसेशन कब्ज़ के बग़ैर पाई जा रही है, मैदे के इमराज के साथ अगर पेशेंट खून थूकता है या खून नहीं थूकता है, लेकिन सेंसेशन यही पाई जा रही है कि यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई सख्त चीज़ या कोई सख्त उबला हुआ अंडा जो इन जगहों पे फंस गया है, वहाँ पर जो दवाई इस्तेमाल होती है वो एबिस है। पेशेंट आकर हमें जो सेंसेशंस देता है वो इस तरह कहता है कि उसे यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई सख्त डला लंप जिसको कहते हैं वो उसके मैदे के मुंह के ऊपर या उसके फेफड़ों के अंदर जाकर फंस गया है, और वो खांसी करना चाहता है, खांसी कर कर के उस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता है। तो सेंसेशन जो होती हैं वो सिर्फ एहसासात होती हैं, ऐसा नहीं है कि उसके फेफड़ों में कोई उबला हुआ अंडा जाके फंस गया है या उसकी खुराक की नाली में कोई अंडा फंस गया या कोई सख्त चीज़ अंदर फंस गई है, ये सिर्फ सेंसेशन है। और जहाँ कहीं ये सेंसेशंस पाई जाएंगी वहाँ एबिस दवाई पाई जाएगी। इसके अलावा इसमें दो और चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो ये चीज़ पाई जाती है कि पेशेंट को महसूस होता है कि जैसे उसने जो भी खुराक खाई है
वो एपिगैस्ट्रियम रीजन में फंसी पड़ी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कार्बोवेज में ये सिम्टम पाया जाता है कि पेशेंट को यूँ महसूस होती है कि जो कुछ उसने खाया वो उसके मैदे में ही पड़ा रह गया है, हज़म नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह इस दवा में ये सेंसेशन पाया जाता है। और एक और चीज़ जो इस दवा में पाई जाती है वो ये कि खाना खाने के बाद, हमेशा खाना खाने के बाद मैदे का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये सेंसेशंस मिलें, अगर आपको ये सिम्टम्स मिलें, तो हम जिस दवा की सिलेक्शन करते हैं वो एबिस है। मैं फिर से दोहरा दूँ, ये दवा बेल्चिंग यानी डिकारों में इस्तेमाल होती है, कब्ज़ में इस्तेमाल होती है, डिस्पेप्सिया में इस्तेमाल होती है, स्टमक डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है, दिल की धड़कन के तेज़ हो जाने में इस्तेमाल होती है, और मुंह में अगर खट्टा पानी भर रहता है जो बदहजमी की एक बहुत बड़ी निशानी है, तो उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बस ये है हमारी मेडिसन। पोटेंसीज की 30 भी इस्तेमाल होती है और 200 भी, मदर टिंचर भी, यानी आप कोई भी पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको, दवाई तो मैंने आपको पढ़ा दी है, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ जो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जब आपके पास कोई पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हो तो कोशिश कीजिए छोटी दवा का इंतखाब ना कीजिए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि टोटेलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर, कॉजेशन की बुनियाद पर आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो इसका करेक्टरिस्टिक सेंसेशन है कि एक सख्त चीज़ जो अंदर फंसी हुई है, आप उस एक सिम्टम की बुनियाद पर इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इसके मुकाबले में हमारे पास पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज आती हैं, चाइना, नक्स वोमिका, ब्राइनिया, पल्साडीला, लाइकोबोडियम, सल्फर, कालीकार्प, जितनी भी अर्जेंटम हमारे पास आती है, नाइट्रिकम जो है, अर्जेंटम नाइट्रिकम जो मैदे के हवाले से हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ के मुकाबले में छोटी अदवियात चूँकि कम इस्तेमाल होती हैं, तो लिहाजा एबिस भी जो है वो इस सिलसिले में नज़रअंदाज हो जाती है। लेकिन अगर आपको एबिस के करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलते हैं तो आप ज़रूर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाइए। मैं अगर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरे क्लिनिक में ये दवा मौजूद है। लेकिन चूँकि इसके मुकाबले में कार्बोवेज है, इसके मुकाबले में अर्जेंटम है, इसके मुकाबले में लाइको है, तो फिर मैं इस दवा का इस्तेमाल, बहुत ही कम हुआ है कि मैं इस दवा का इस्तेमाल मैंने करवाया हो, शायद अपनी पूरी, यानी कि आप कह लीजिए जो मेरी क्लिनिकल लाइफ है उसमें मैंने 2 से ज़्यादा बार इस दवा को इस्तेमाल नहीं करवाया। रीज़न यही है कि मेरे पास पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं तो मैं पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ की सिलेक्शन करती हूँ। एनी हाउ, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने आपको इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम बता दिए, मैंने आपको इसके करेक्टरिस्टिक सेंसेशंस बता दी जो बहुत ही करेक्टरिस्टिक हैं। एक सेंसेशन काफ़ी है इस दवा के इंतहाब के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर लीजिए या आप पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ की तरफ चले जाइए। शुक्रिया।